आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ अर्चना है पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते अर्चना, सवाल कीजिए। हाँ जी मैम, मेरी एज है 61+। ठीक है। और ना 4 साल पहले मैं घर में ही गिर गई थी और मुझे कमर में लगी थी, लेकिन तब तो फिर एलोपैथिक दवाई खाने से तो मुझे फर्क तो पड़ गया उसका। लेकिन अब जो है तकरीबन पिछले सितंबर से साल ही हो गया, मुझे घुटनों में दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि एक टांग जो है मेरी वो मुड़ती नहीं है, फोल्ड ही नहीं होती, और नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती चौंकड़ी लगा के। ये ज्यादा एक साल से, पिछले सितंबर से ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई है। और घुटनों के अंदरली साइड जो होती है ना, वहां तो ऐसे जैसे करंट करंट सा मतलब की लगता है ना, अंदरली साइड जैसे हम चलते हैं तो दोनों अंदर की साइड होती है, और फिर वही एक पैर का एक अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, उसमें तो आजकल मेरे जो राइट है लेग में और वो घुटने से लेकर फिर नीचे लेग तक वो दर्द जाती है। ठीक। और देखिए बड़ी अच्छे से आपने मुझे बताया, और आपकी उम्र ऐसी है कि अपना ख्याल रखना चाहिए, और जिनके घर में ऐसे बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को बहुत ख्याल होना चाहिए। उनके पोते पोती वाली हैं और बेटा बहू वाले हैं, और अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, तमाम लोगों से कहता हूँ। और देखिए ज़ीरा धनिया सौंफ, ज़ीरा धनिया सौंफ सौंठ, ये आप 100-100 ग्राम लीजिए। ज़ीरा धनिया सौंफ सौंठ 100-100 ग्राम लीजिए, और 100 ग्राम गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है मुश्किल से मिलता है, नकली भी काफ़ी होता है, तो इनको आप दोनों पांचों को मिलाकर, ये सब रॉ मटेरियल आपको लेने हैं, पिसा पिसाया मत लें, आप समझदार हैं और आपकी अच्छी उम्र है कि पिसा पिसाया तो आप शायद यूज़ भी नहीं करते होंगे, घर में ही आप सब मसाले पीसते होंगे, क्योंकि इतनी उम्र वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। तो इनको पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाना शुरू करें, कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं, बहुत मेहनत का काम नहीं करें। आप जैसी उम्र के लोग थोड़ा मेहनती भी बहुत होते हैं, तो इलाज के दौरान आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।